एवरी वन दिस इज़ बुशरा खान वेलकम टू समा पॉडकास्ट आज मेरे साथ एक ऐसी जानी मानी शख्सियत मौजूद है जो कि ना तो सिर्फ पूरा पाकिस्तान उन्हें जानते हैं बल्कि पाकिस्तान की पहचान है वो इंटरनेशनली रिकगनाइज है माशा ऐसे सलेब्रिटी हैं जिनका इंडियन पंजाबी सिनेमा में बहुत नाम है उन्होंने बहुत इज़्ज़त एहतराम कमाया है उनका है और गैरमतनाज़ शहरत कमा रहे हैं अब भी आज भी और आगे भी इन हम उनको देखते रहेंगे ही इज़ अ ग्रेट कॉमेडियन बहुत ही खूबसूरत नेचर उनकी, है उनकी सीरत बहुत खूबसूरत है एंड ही हिम सेल्फ इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी आई एम वेरी लकी टू हैव हिम ऑन द समर पॉडकास्ट टूडे एंड येस अब इंट्रोड्यूस कराने का वक्त आ गया है मैं बात कर रही हूँ मिस्टर इफ्तार ठाकुर की असल वाले वर्क कैसे हैं आप मैं वैसे का वैसे ही हूँ मुझे I'm आप धूप में रखे छाव में रखे मैं वैसे का, ही रहूंगा यही तो बात है ना माशाल्लाह आप वैसे के वैसे हैं और हमें हंसाते रहते हैं यू आर ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस एंड आई एम रियली सो लकी टू हैव यू टुडे और मैं मैं समझता हूं इट्स माय ड्यूटी बहुत आई वाज लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड मुझे बहुत शौक था कि आपको बुलाऊं आपसे मिलूं आपसे बातें करूं क्योंकि आपका मैं देखती रहती हूं गपशप उससे पहले मुजाकर फिर आपकी एक प्रॉपर्ली एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी बन रही है तो कॉमेडी में आपका एक अपना ही एक नाम है यौंड्रा आपका इतना खूबसूरत है कि उसमें आप फिट हो गए हुए हैं तो जब कोई कॉमेडी की बात करते हैं ना तो सबसे पहले आपका नाम आता है जहन में जैसे होता है ना कि एक्शन फिल्म का हीरो एक लेबल हो जाते हैं यू आर द वन फॉर पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली रिकगनाइज अल्लाह मेहरबान हो जाए तो सब कुछ हो सकता है आप जो भी करेंगे ना जी अगर अल्लाह मेहरबान है तो सब आप पे मेहरबान रहेंगे मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही रहा कि हमारी जो बेटियां हैं हमारी बहनें जो घरों के अंदर हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में है, हैं जॉब के ऊपर हैं डेफिनेट इंसान हैं थक जाती हैं घर के अंदर बड़ा काम होता है आजकल जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाया जा रहा है वो बड़ी हार्ड जॉब है उनके पास हंसने मुस्कुराने के लिए कुछ भी नहीं है तो इट्स माय ड्यूटी कि मेरे बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट रहे दुनिया भर के माँ बाप किसी मुल्क से हों किसी मज़हब से हों किसी रंग से हों किसी नस्ल से हों उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे तब मेरी ये कोशिश रही पूरी ज़िंदगी कि हमारे बच्चे हंसते मुस्कुराते रहें अगर हमारी बेटियों के हमारी बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी तो घर का माहौल अच्छा रहेगा अगर ये डिस्टर्ब हो जाएंगी तो घर का माहौल ख़राब हो जाता है मैं काफ़ी असर थिएटर से मुंसलिक रहा थिएटर जो है ना जी थिएटर बेसिकली ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में देखी जाती है उर्दू और पंजाबी बोलने वाले दुनिया में जहाँ भी हों मुझे आज भी याद है कि दूसरे मुल्कों से जब कोई बंदा पाकिस्तान आता था तो उन्हें सबसे बड़ी ख्वाहिश यही की जाती थी कि वहाँ से आते हुए कोई थिएटर का ड्रामा लेते आना ताकि वो हंसें मुस्कुराएं इंजॉय करें रिलैक्स करें कुछ सेंसर वालों ने इतना बड़ा जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर इस फिल्म के ऊपर थिएटर के ऊपर देखने के काबिल नहीं रहा कि उसकी वो पहचान ही खत्म कर दी है उसको इतना वो कहते हैं ना जैसे इरेज कर करके उसकी असल शक्ल ही बिगाड़ दी है बड़ा दुख है चीज़ रही नहीं जो होनी चाहिए और पाकिस्तान की वो पहचान थी रूट थी मतलब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में वो एक्टर्स नहीं है वो स्टेब्रिटीज नहीं है वो टैलेंट नहीं है जो हमारे मुल्क में है

कि मैं भी आपको मिस्टर ठाकुर कहूँगी आप ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं यस वी गो चलिए मुझे एक चीज़ बताएं हम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अभी चलते हैं um, कद्दू से दो सफ़े वाली कॉपी का सफर कैसा था ये कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन आई कद्दू जो है ना वो मेरी एक बहन है बड़ी से छोटी वो इसलिए कद्दू मुझे कहती थी कि उसने ना छटापू खेलना होता था सहेलियाँ आपस में गली की बच्चियाँ खेलती हैं तो मेरी माँ उसे पकड़ा देती थी कि इसको लेके जाओ अपने साथ बाहर तो वो ना ईंटों को एक चूल्हा सा बना के ना जी उसके अंदर बिठा के तो अपनी सहेलियाँ नु कहती सी कद्दू नु मैं ईटान चुपता उन चुप करके बैठा रहेगा तो वो छटापो खेलती थी और मुझे अक्सर ना वो जब कहीं लड़ाई हो जाती तो वो मुझे इसी नाम से चढ़ाती थी कद्दू कद्दू हाँ जी हाँ जी <laughs> हालांकि मैं शुरू से ही कमजोर था यानी कद्दू पता नहीं क्यों उसने नाम रखा उसको कद्दू डमटी को टाइप लेकिन नहीं नहीं मैं लीन। तो भिंडी की तरह था अच्छा लीन थे। हाँ हाँ बिल्कुल लीन पतला दुबला सा तो बस वो नाम है मेरी बहन है वो बड़े प्यार से प्यार कहती होगी तो बड़े होके भी वो मुझे अक्सर कहती है आज भी कहती है लेकिन मुझे उसमें अच्छा लगता है मज़ा आता है कि मेरी बहन जो है इसमें राज़ी है खुश है बहनों को हंसते खेलते रहना चाहिए गुल गुल दो सफ़म वाली कापी जो है ना ये नसीम विक्की साहब जो है उन्होंने मेरा नाम नाम तो नहीं रखा वो एक ड्रामा था हमारा रबा इश्क ना हुआ उनकी कॉन्टीन्यूटी थी और अरसा हो गया इस बात को लेकिन आज भी वह सुपरट है यानी दुनिया में मैं किसी भी एयरपोर्ट पे उतरूँ ना तो कहीं कहीं से आवाज आती दो है आती है। आती है है बिल्कुल तो कैसा फील करते हैं आप अच्छा लगता है। अच्छा लगता लगता है है देखिए अगर उस बंदे को कहने में अगर मजा आ रहा है प्यार से कहते हैं ज्यादा बच्चे जो है बच्चे जो हैं वो ज्यादा मुझे कुकी दादा क्यू हाँ कुकी कहते हैं वो एक मेरा ड्रामा था वसीम वो ड्रामा था लाहौरी गेट उसमें मेरा नाम कुकी था और बदमाश था यानी कैसा बदमाश होगा कि मैंने तंग से तंग कपड़े भी पहने हैं तो मुझे उसमें मैं हिलते फिर रहा था लेकिन वो बच्चों को वो अच्छा लगा तो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो बच्चियाँ भी कहती हैं वो कुकी अंकल ही कहती हैं ठाकुर बच्चे मुझे नहीं कहते बच्चे मुझे कुकी दादा या कुकी अंकल कहते हैं और मेरा एक दोस्त है वैसे तो मेरे चाचा हैं तोलम्बे में रहते थे यासीन साहब टीचर थे वो मुझे कहते थे निकू और मेरा एक दोस्त है नासर बट कनाडा के अंदर अब गाड़ी के अंदर कभी फ़ोन आ जाए तो मैंने स्पीकर पे लगाया होता है और मेरे बच्चे बैठे हुए मेहमान को बैठा है या कोई मेरे साथ हम वो फ़ोन कर देना वो निकू किया हाल है वो मेरे सब मुझे देखने लग जाते हैं भाई ये कड़ा निकू है तो वो दो बंदे शायद पूरी दुनिया में ऐसे होंगे जो मुझे जो आज भी निक्कू निक्कू कहते थे और मेरी जो तीसरे नंबर की बहन थी उसका इंतकाल हो गया वो मुझे काका कहते थे मेरे बाबा भी मुझे काका कहते थे और मेरी एक बहन भी मुझे काका कहती थी बहन भाई मैं आप सबसे छोटे थे नहीं मैं हूँ सेकेंड लास्ट मुझसे छोटी एक बहन सात बहन भाई पांच बहनें और दो भाई पर आपके भाई भी आपकी जैसी नेचर के हैं कॉमेडी से हैं या नहीं या डिफरेंट है बिल्कुल नहीं हैं तो कॉमेडी ही लेकिन आ, आर्मी से उनका ताल्लुक रहा एम से आ, मेडिकल कोर्स से तो वो फौजी भी हैं थोड़े से कमांडर भी हैं लेकिन ये कि हम शुरू से दोस्त हैं क्लास फेलो भी रहे मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता था कि जानबूझ के जान एक क्लास में फेल हो गया कि मैं इसके साथ हो जाऊं कि दोनों इकट्ठे आए जाए हंसते खेलते हुए जाए तो आज भी बिल्कुल ऐसे ही है अगर अगर हम ना किसी को बताएं कि हम दोनों भाई हैं तो किसी को पता नहीं चल सकता कि ये दोनों भाई हैं नहीं है ए, बिल्कुल ही नहीं वो तो है। कमांडर है हाँ वो कमांडर हैं पूरे मैं दुबला बता ये कहीं जब हंसते खेलते बातें करते जिस तरह की हम लाइफ गुजार रहे होते हैं इकट्ठे चल रहे होते हैं उन नहीं पता चलता नहीं पता चलता हाँ फिर कहीं जाके बताऊँ प्लस पॉइंट भी है बहुत बड़ा हाँ जी प्लस पॉइंट भी है हाँ जी मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जिकि मैं चुके शूटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया या शहर से बाहर चला गया तो बड़ा सपोर्ट किया मेरी स्ट्रगल में मेरे भाई का बहुत हिस्सा है माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ उसने मेरे साथ स्ट्रगल मेरी कटवाई है हाँ जी। तो मेरे भाई तो हैं मेरे मोहसम भी हैं मेरे दोस्त भी हैं माशाल्लाह मतलब सिबलिंग में आपका माशाल्लाह बहुत प्यार और ऐसे ही रहे हमेशा मुझे ये बताएं कि आपके फादर तो आर्मी से थे डिसिप्लिन yes. लाइफ होगी और आर्मी का तो ये होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है हर एक दो साल हर एक दो साल बाद शिफ्टिंग होती है तो आपने तो पूरा पाकिस्तान देखा होगा बहुत ट्रैवल और फिर फादर तो स्ट्रिक्ट भी होंगे आर्मी वाले माहौल से थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आर्मी में जाएं एकदम से स्विच की आपने बहुत उन्होंने कोशिश की ओ माय गॉड मेरी माँ की बड़ी ख़्वाहिश थी मेरे वाला साहब की बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊँ लेकिन मैं ना इतना पतला और इतना बारीक था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं फ़ौज में चला जाऊँगा लेकिन हमेशा मेरी कोशिश रही मेरी एक दफ़ा माँ बाप को किसी ने कहा कि ये पतला बहुत है इसको ना कोई ग्लूकोज़ की बोतलें लगवाएं ज़रा अच्छा हेल्दी हो जाएगा वो ले गए मुझे अच्छा आप गए भी हाँ, म, अप, मां का, अब जो, वो वो जो जो सुई लगी ना तो वो बाजू से आर पारी हो गई अच्छा, इतना सा तो बाजू था ठीक ठीक है थीक है ओके वो मैं बेहोश हो गया अब जब मुझे होश आई तो वो जो मुझे उन्होंने स्टैंड के साथ लटकाया हुआ था <laughs> और बोतल बेड पे पड़ी थी <laughs> मैंने उनसे पूछा भाई जन जी क्या हो रहा है उन्होंने कहा जी ज्यादा लग गई थी अब वापस निकाल रहे अल्लाह तो वो भी नहीं लग सकती थी फिर मेरी माँ को किसी ने मशवरा दिया कि इसकी ना आप शादी कर दें मोटा हो जाएगा ठीक है खुशी से हाँ जी हाँ जी खुशी से फूल जाएगा उसका भी आया अवल तो रिश्ते ही कोई नहीं आया अगर कोई छह सात महीने के बाद आ ही गया तो मेरी माँ ने पूछा मुंडा देख लिया जी वो कहें तो देख लिया किसी डॉक्टर बखाओ अच्छा ये ये किसी ने बोले मैं आपको सही बता रहा हूँ है। है है। कि हाँ और पतला हो जाता था सोच सोच के, परेशान हो जाता था। ये तो बड़ा ही सीन है। फिर मैं एक दफ़ा चोरी भर्ती होने के लिए गया मैं चलो माँ बाप को नाम बताऊँ भर्ती हो जाऊँगा तो सरप्राइज दूंगा तो उन्होंने मुझे लाइन से निकाल दिया भट्टी साहब थे कोई हवलदार उन्होंने मुझे पकड़ के पीछे कर दिया मैं भाई की गल है मैं भर्ती क्यों नहीं करते मैं तेन ना भर्ती करके बार्डर से भेज दिया निकल के पिछले सो फौज मैं नहीं फौज नहीं।, नहीं मैंने, आपर, मैं, मैंने कब आपने मैं? लोगों की इर्गिट की मुझे लगता आज मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि अल्लाह की ज़ात जो है ना जी उसको पता होता है कि अल्लाह ने आपको किस तरफ लेके जाना ये तो है उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है तय तो ऊपर से हो चुका होता है yeah. हम अपनी कोशिश करते रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं लेकिन होना वही है जो जो खुदा, ने जो खुदा ने चाहना है और अब मैं आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ इसकी वजह मेरा रब है मैं नहीं हूँ hmm. मेरे रब ने चाहा आप में चले भी जाते तो आप आप वो ना होते जो हैं यस यू हैड अ हिडन टैलेंट और वो तो देखिए अल्लाह ने निकालना होता है और अल्लाह ने किस तरह سبب पैदा करना होता है और किस तरह से ये अल्लाह का सिस्टम है बट यू ग्रेट कॉमेडियन माशाल्लाह <laughs> आई मतलब आई लव इट मैं ये मेरे लिए यही बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिल्कुल बिल्कुल कोई कॉमेडी सुनाए मुझे आपके चुटके सुनने चाहिए ऐसे नहीं होते ये जो एक्टर لفظ है ना ये पांच लफ्जों का مجموعه है ए फॉर एक्शन सी फॉर कंट्रोल टी फोर टाइमिंग ओ फॉर ऑब्जरवेशन ऑफ कैरेक्टर एंड आर फॉर रिदम एंड री एक्टर इज गोइंग टू बी अ कम्प्लीट एक्टर इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ़ कैरेक्टर जब थिएटर के ऊपर ड्रामा हो रहा होता है और सब लोग एक दूसरे को जुगतें कर रहे होते हैं तो उसकी वजह ये नहीं होती कि हम आ, बड़े जीनियस लोग होते हैं, नहीं environment होती है, environment होता है। atmosphere होता है, होता है वो जब बन जाता है लोगों के चेहरे हमारे दिमाग में होते हैं, हमने दुनिया की हर चीज देखी होती है, वो खलौय जाते हैं, इसको कुछ कहीं हाँ ये समझ रही हैं मेरा प्राय है। <laughs> शायद आपको मिलने आई उसको बाल चल गया कि ठाकुर जी आए भी हैं <laughs> एक ड्रामे में कह भाई जी रा मच्छर लड़ना है तो कों करद के कोल आने वेख कह वे, अब्बा तू मैं क्या सुनया मैनू तो कभी मच्छर लड़े ही नहीं मैनू तो पहला मच्छर लड़न हूँ ना मैं इंज करके उन्होंने मार दिना बाकी जनाजे जनाजरे चले जाते मैं समझ आना <laughs> <laughs> ये इनवायरमेंट होती है बिल्कुल अब मेरे जो फेवरेट थिएटर के उपर बड़े लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा वो तो सुपर स्टार हैं सुहेल अहमद साहब अमानुल्लाह खान साहब बबू बराल साहब मस्ताना साहब आबद ख़ान साहब शौकी खान साहब ये बड़े नाम हैं जो मेरे बैच के लोग हैं इनमें नसीम विक्की साहब अगर ड्रामे के राइटर हैं और डायरेक्टर हैं तो मैं आराम से सोता रहता हूँ ठीक है चिल सीन। चिल बिल्कुल मुझे पता है कि भाई इस बंदे के अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये मेरा करैक्टर जो है ये सजा के मुझे बना के मुझे ऐसे पकड़ा देगा और मैं ईजी उसको सारा कुछ कर जाऊँगा अगर नासिर चिनेटी साहब मेरे साथ पैरलर करैक्टर में हैं तब भी मैं रिलैक्स हूँ कोई चक्कर नहीं है ये मुझे वॉली ऐसी बना के देगा कि मैं उड़ा के रख दूँगा अगर अमानत चंद साहब मेरे साथ हैं मेरा आई क्यू लेवल इतना डेंजरस है अमानत चांद साहब के साथ अगर मैं राइट एज पे खड़ा हूँ और वो लेफ्ट एज पे खड़े हैं वो मेरी तरफ देखें तो मुझे पता चल जाता है कि ये मुझे क्या कह रहा है कि मैं क्या करूँ और मैं वही हरकत करूंगा good, और उसका वही रिएक्शन होगा जो मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री और वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट्समैन बड़ी डेंजरस केमिस्ट्री है हम लोगों की और इसकी वजह सुहेल अहमद साहब हैं उन्होंने हमारी ट्रेनिंग बड़ी मजबूत की है मेरे उस्ताद बड़े सख्त थे शदीद सख्त लोग थे खालद अबास डार साहब मोहम्मद कभी ख़ान साहब इरफान खूसट साहब सुहेल अहमद साहब और ऐसे मेरे ऊपर नज़रें जमाए रखते थे कि कहीं रॉन्ग वे लेके तो नहीं जा रहा वन वे नहीं जाने देते वो मुझे वो हमेशा मुझे अपने घेरे में रखते थे Very और very. उस मेरी ट्रेनिंग करते थे आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इसका क्रेडिट इफ्तार ठाकुर हरगिज नहीं है मेरे अल्लाह के बाद सुल अहमद साहब डार और मोहम्मद कवी खान साहब ने आपको तैयार किया कॉन्फिडेंस डेवलप बाकायदा उन्होंने मुझे उस्ताद अगर आपके पक्के अच्छे तो आपको याद भी रहती है हर जगह और आपको दिस इज हाँ हंड्रेड परसेंट याद रहते हैं मतलब <laughs> जिस तरह तो अल्लाह अल्लाह याद रहता है उस्तादों की चपेटें भी याद रहती हैं मतलब याद रहता है कि आपने आपका ना आपने किसी से कुछ सीखा हो ना तो आपको याद रहता है किसने मुझे वो एक भी सिखाया ना मतलब तो आपको ता याद रहता है तो सुहेल अहमद साहब वाली बात है सुहेल अहमद साहब और मोहम्मद कवी खान साहब जो थे ये तो लफ्जों की मार मारते थे लेकिन इरफान खोसट साहब और खालद डार साहब चपेड़े भी मारते थे आप, आपको पढ़ी हुई है हाँ बहुत खालद खालद डार साहब अगर च, खालद साहब खालद डार साहब का जो हाथ थे ना कभी तो जिंदगी में मिले आप देखिए रोगनी नान जो हाथ थे परी इतनी जोर थे। की चपेट मारते थे कि पहले आप दीवार में लगेंगे फिर वापस उनमें आगे लगेंगे तो आपको पढ़ती थी तो फिर आप ठीक रहते थे

हाँ उनका डर उसका आज भी मुझे डर मुझे याद है, मुझे कुछ दिन, दिन पहले हाँ उन्होंने रेडियो पे बुलाया रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे एक प्रोग्राम जो है वो पिछले शायद थर्टी फाइव ईयर्स से कर रहे हैं रेडियो के लिए मुझे उसके लिए उन्होंने बुलाया और उन्होंने मुझे कहा छः बजे आपने आना मैं साढ़े पाँच बजे गेट के ऊपर ऐसे खड़ा था बस समझ गई मैं हाँ कि एक मिनट भी कहीं लेट हो गए तो उन्होंने अब तो नहीं मारते नहीं हाँ। लेकिन जो उन्होंने ऐसे करके देखना है ना जान निकल जानी आधा घंटा पहले मैं दरवाजे पे खड़ा और मैंने उस्ताद जी को कॉल किया उन्हें कहा पुत्र आजा अंदर मैं इंतजार कर रहा हूँ फिर शर्मिंदगी हुई कि पहले मुझसे भी पहले थे बाप <laughs> अच्छा होता ना कि पहले पहुंच जाओ फिर एक वो एक फीलिंग अलग होती है वक्त पे आना हमने मोहम्मद कवी खान साहब से सीखा इतने पाबंद आदमी थे वो नमाज के वो पाबंद और वक्त के वो पाबंद कभी ऐसा नहीं हुआ कि आठ बजे का टाइम है और वो आठ पांच पे आया हूँ साढ़े सात पौने आठ बजे बिल्कुल रेडी और तैयार हो के सारा दिन शूट ना हो खान साहब तैयार हैं और पेशन शायद दुनिया में किसी एक्टर का इतना पेशन हो जो मोहम्मद कभी खान साहब का था मजाले को सख्त अल्फाज बोल दें यह गुस्सा आ जाए उनको नो नो नो, नो कामयाबी की निशानी इतने शफीक इंसान वो जन्नत के किसी आला मकाम में हो तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ मेरे बच्चे तो उसकी वजह जो है वो मेरे उस्ताद बिल्कुल मुझे ये बताइए मैंने सुना आपने सिंध और पंजाब दोनों बोर्ड से मैट्रिक की आला नंबर हासिल किए ओह ये कहानी मैं सुनना चाहती हूँ कि मतलब आप पढ़ाई में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे फिर आपने ग्रेजुएशन की लेकिन उस ज़माने में यू वेंट टू यू एस और फिर वहाँ पर आपने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से ग्रेजुएशन दोबारा की क्योंकि यहाँ की ग्रेजुएशन उस लेवल पर हाँ मानते हैं तो वहाँ उस वक्त उस ज़माने में जाके न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात है मतलब अभी भी कोई जाए तो कंसीडर होता है एज़ वन ऑफ अ वेरी स्मार्ट और पैशनेट पर्सन फॉर मीडिया और फिल्म तो ये ख्याल कैसे आया फादर ने जाने दिया नहीं हुआ ये कि हम ना चार पांच कज़न जो थे ना जी वो मुकाबले पे पढ़ते थे ठीक है मैंने पाँचवीं में वजीफ़ा लिया आठवीं में वजीफा, में में वजीफा वजीफे के इम्तहान में बैठते थे मैंने जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया ना जी मुझे थोड़ा सा डर हुआ कि मेरा बायोलॉजी का पेपर कमज़ोर हुआ है अगर इसमें मैं फेल हो गया कंपार्ट आ गई तो ये कज़न मेरे सारी जिंदगी मुझे झुकते करेंगे अब पेपर दे के मैं चला गया तीन महीने का गैप होता है तो मेरे पापा थे कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ऑफिसर क्लब में वहाँ तीन महीने का गैप होता है पंजाब और सिंध के बोर्ड में मैंने वहाँ तैयारी करके पूरी नॉलेज मैट्रिक का एग्जाम वहाँ भी दे दिया सिंध के अंदर भी सही है सही है जब मेरा सेकंड लास्ट पेपर था इंग्लिश बी का तो पंजाब का रिजल्ट आया आ गया हाई फर्स्ट डिवीजन और बायो में कितने मार्क्स सिक्सटी टू हंड्रेड में से यस yes. सही तो है नहीं उस वक्त पता नहीं मेरे दिल में डर बैठ गया <laughs> बैठ गया मेरे क्या हो सकता है ना मार्किंग चेकिंग कैसी हो होता है ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पत, मुझे कुछ लगा डाउट होता बच्चों को ठीक है खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया था जहाँ निकल जाती मैट्रिक है ही ऐसी ठीक है अब उधर भी एग्जाम हो चुके थे इधर से भी रिजल्ट आ गया कुछ दो तीन महीने के बाद उधर उधर से भी रिजल्ट आ गया उधर भी मार्क्स यस बहुत अच्छी अलहमद ला उधर तो आसान था उसमें सिर्फ सिंधी करनी थी बाकी तो सब यही था आप सिंधी में बातें बातेंगते वा रहे होंगे हाँ सिंधी बिल्कुल दोस्तों के साथ सिंधी बोलते थे मेरी रीजनल फिल्म आप देखेंगे ना जी आपको पठवारी फ़िल्म मिलेगी सराय की फ़िल्म मिलेगी जंगूठी फिल्म मिलेगी खोशाबी फिल्म मिलेगी सिंधी फिल्म मिलेगी उस, उसकी वजह यह है कि भी मैं इन सारी जबानों पे मुझे अबूर अब उसकी वजह वही है जो आपने शुरू में बात की थी कि मेरे पापा के ट्रांसफर होते रहते थे और मेरे लिए सारी आसानी थी कुछ सिंधी में बोल के दिखाई को अपना फेवरेट डायलॉग जो आपको अभी भी याद हो क्या गलाये तुम क्या बात कर अच्छा आपने बोल दिया मैं मुझे लगा पता नहीं कुछ चादर बोला पता नहीं क्या बोला है मैंने तो यहाँ से गुजर किया मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अगर मैं सिंध में चला जाऊँ तो लोग मुझे जानते हैं पंजाब में आ जाऊँ तो मैं तो हूँ ही पंजाबी के पी में चला जाऊँगा तो के पी बलूचिस्तान भी चला जाऊँ तो लोग मुझे जानते हैं इवन एक फिल्म मैंने बनाई पठवारी जुबान में मेकी खड़ो इंग्लैंड अब मैं एक दफ़ा कोयटा में ए, किसी आर्मी के फंक्शन पे गया तो जब मैं गेस्ट हाउस में गाड़ी लगाने लगा तो एक गाड़ी आके रुकी उसमें से एक ख़ान साहब निकले इतना बड़ा पकड़ ऐसे बाहर निकले तो कहने के वो मरा वो क्या खोती वाला फिल्म बनाया है मैंने कहा खोती वाला फिल्म <laughs> वो तो पुठवारी जुबान में है मैंने कहा वो आपको समझ आती है कहते ठाकुर मारा छोड़ो यार समझ आती है नहीं आती है मज़ा बड़ा आता है

गिरा हुआ है उसकी वजह वो थोड़ी है वो मेरे केपी के भाई हैं पख्तून पूरी दुनिया में जो आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंगें आपको नजर आती हैं उनके बनाने वाले या उनको डिजाइन करने वाले जरूर वो इंग्लिश लोग हो सकते हैं हाँ। लेकिन पीछे बैकबोन जो वो है केपी के, के। बैकबोन मेरे पश्तून भाई हैं इतने मेहनती होते हैं इनके लिए धूप छाव कोई मानी नहीं होते हैं ऑनेस्ट एक दफा पख्तून से आपकी दोस्ती हो जाए कब्र की दीवारों तक दोस्ती रहेगी मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी पख्तून के साथ दोस्ती हुई मेरे पख्तून भाई के साथ पश्तून भाई के साथ उन्होंने कई दफा उसे धोखा दिया उसने कहा यार मैंने भाई कहा है इसको कोई बात नहीं मुझे पता है, ये मुझे धोखा देता है। लेकिन क्या हुआ भाई भाई को धोखा देता है आज भी मेरा भाई दैट्स वाई आई लव माई पख्तून Very nice. आज पूरी दुनिया के अंदर अगर हम एक बहुत बड़ा मजबूत बाजू हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जाना और पहचाना जाता है तो उसकी वजह मेरा बलोचि और पख्तून बरादरी।, बरादरी है ये पत्थर हैं ये चट्टान हैं जो खड़ी हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर आप जाएंगे तो हमारे ज़्यादा जो दोस्त मिलते हैं पंजाब से वो जेल और चकवाल के होते हैं इसलिए इसे कहा जाता है मदर ऑफ सोल्जर और उसके बाद पख्तून बलोची सिंधी इनमें जो बलोच रेजिमेंट है उनको देख के आंखें खुल जाती हैं कि कैसे कैसे जवान इतनी चौड़ी चौड़ी उनकी छाती गने उनके हाथ में खिलौने लग रहे होते हैं no. That's why I love मेरे पख्तून भाई Very good. मेरी दुआएं हैं उनके साथ अल्लाह पाक उनको सलामत रखे मैं उनकी माओ को सलूट पेश करता हूँ उनकी माओ का कितना जिगरा होगा कि वो अपने बच्चों को शहीद कराने के लिए इस मुल्क की सरजमीन पर कुर्बान करने के लिए तैयार करके बॉर्डरों के ऊपर भेजती हैं उन माओं को सलाम है सलाम मैं पाकिस्तान आर्मी के तमाम श... शहदा को सलाम पेश करता हूँ और जिस जिसने इस मुल्क की खातर जान दी है वो वो चाहे पुलिस में हों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लाखों जवानों ने इस मुल्क की मुल्क के तहफ़ के लिए अपनी जानें दी हैं मैं उनको और उनकी माओ को सलाम पेश करता हूँ अच्छा मुझे ये बताइए कि आप माशाला हाफिज़ कुरान हैं और मैंने सुना है कि आपने अपने वॉल्टियर सोशल सर्विस के ज़रिए बहुत से लोगों को मुसलमान कियाबा पढ़ाया है कल्मा पर देखो मेरे बच्चे हिदायत में जानब अल्लाह है जब तक अल्लाह ने चाहे हिदायत पर कोई नहीं आ सकता लेकिन ये ज़रूर हुआ कि बड़े बुजुर्गों के साथ हमने काम किया मौलाना तार जमील साहब के साथ हमने बड़े सफ़र किए मौाना जुनेद जमशेद साहब जो सिंगर थे बाद में उन्होंने इस्लाम की, की बड़ी खिदमत की डॉक्टर असरार अहमद साहब जो हैं जिन्होंने कुरान की बड़ी खिदमत की है बिल्कुल अल्लाह उनको जन्नतफरदस तो दे वो भी जन्नत के किसी बहुत ही अली मकाम पर होंगे मौलाना जमशेद साहब जो रायवंड के अमीर रहे हमारी इनके साथ बहुत सारी महफिलें हुई इनके साथ बैठना हुआ तो उस हवाले से कुछ लोग मिल जाते हैं जिनके साथ सलाम दुआ हो जाती है वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों मेरे मेरे दायरे के अंदर मज़ब जो है वो सेकंड है इंसानियत पहले है सो उनके साथ हमारे ताल्लुक ऐसे हो जाते हैं कि वो किसी न किसी मकाम पर आकर इंस्पायर होकर वो ये ज़रूर कहते हैं कि सर

इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मतलब तो मेरे बच्चे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हुलम आखिरी नबी उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला क्या मत तो उन्होंने कहा है कि इंसान अल्लाह का खलीफा है अब अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस दीन को ले के चलना है अपनी बेटियों की तरफ अपनी बहनों की तरफ अपने भाइयों की तरफ तो अपनी सी कोशिश तो करते रहना चाहिए कोशिश करते रहना चाहिए हिदायत में जाने वाले Hmm. लगे रहेंगे इन शे बताएँ के सियासतदानों की अगर बात की जाए तो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं <laughs> उनकी जो कहते हैं ना जैसे दिन नहीं गुज़रता या उनकी रातें नहीं गुज़रती अगर वो आपकी आवाज़ ना सुन लें या आपको अपने साथ बिठा कर आपकी कॉमेडी वाली जो एक होती है ना मज़े के अंतरा कह दें सिंगिंग पे वैसे अंतरा कहा जाता है लेकिन जो भी कॉमेडी पैराग्राफ्स या आपकी जो मज़े की जुगते हैं उसके बगैर उनका दिन नहीं गुजरता तो कोई मज़ेदार किस्सा सुना दे और वो वाली मुझे बाते बातें बात ज़रूर बताएं जो वो ज़रूर सुनते आपसे हमेशा आप तो काफ़ी अरसा हो गया उनसे मुलाकात हो नहीं पाई एक दौर गुजरा जब वो प्राइम मिनिस्टर थे शबाज़ शरीफ साहब सी एम साहब थे हमारा ना जी उनके घर आना जाना रहता था उनके बच्चों की शादियों पे हम जाते थे सुहेल अहमद साहब अमानत चांद साहब नवाज़ अनजम साहब हमारा उनके घर आना जाना रहता था और कभी भी कोई भी मुश्किल आ जाए कोई परेशानी आ जाए डे हो या नाइट उनको कभी भी कॉल करें या उनसे रबता करें वो फ़ौर रिस्पॉन्ड करते और उस मुश्किल को हल करते मैं ख़ास तौर पर यहाँ जिक्र करूँगा नवाशी साहब की वालदा मोहतरमा का बहुत दुलशरी पड़ती थी इंतहाई नेक खात अल्लाह पाक उनको जन्त तो में जगमा जगमगाता हुआ रोशन रखे वो हमसे बहुत प्यार करती थी वो हमारी बहुत फेवर करती थी वो हमें अपने बच्चों की तरह समझती थी ईद कोई आ जाती या कोई त्यौहार आ जाता तो वो हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ पैसे या कपड़े या कुछ तहफ जब देती थी तो वो कहती थी कि ये मेरे पोतों के लिए है ये मेरे बच्चों के लिए है बहुत प्यार करने वाली खातून इंतहाई नेक सीरत इंतहाई रोशन इस तरह हमारा उनके घर आना जाना रहता था और ये जो फैमिली है ना जी जितनी जुगते हम थिएटर पे जितने भी लोग करते हैं ये भी करते हैं आगे से ठीक है हाँ कोई भी इनसे आपस में बैठ के शबाज शरीफ साहब उन्होंने मैं क्या मैं पाए थोड़ा मुँह है जिम्मे लकड़ का थौड़ा होंगे <laughs> मैंने कहते अपना मुँह वे जिम्मे चाइना की चूज होंगी ऐसे जवाब देते हैं और सुनाए कोई नवाशी साहब की मियाँ नवाशी साहब ने मैं एक बार किया मैं पा तोड़ा मुँह है जी फिका खरबूजा आता क्या पुत्र तेरा मुँह तो ते नजर ही नहीं आता चूहे पलास वर्गा तेरा मुँह है कटर पलास कदी वेखे तेरे मुँह नो भी सोहना होंगे हमेशा इनके एक बहनोई है यूसुफ अजीज साहब वो गाना भी सुनाते हैं गजल भी सुनाते हैं और जुगतें भी करते हैं बहुत ही लाइट से लोग हैं बाकी मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हाकम लाए जिसको हकूमत का चज हो जो इस आवाम के लिए रास्ते खोले खुशहाली लाए मैं कभी भी नाउमीद नहीं हुआ हालात जो भी रहे मैंने बड़े मुल्कों को देखा है जो इतने बुरे हालात में से गुज़रे और फिर एक दम से जब अंगड़ाई ली उन्होंने और ऐसे तरक्की पजीर हुए पलटा खा गए सो मुझे मेरे मुल्क पे और मेरे अल्लाह पे इतना पुख्ता यकीन है कि ये मुल्क आने वाले वक्त में दुनिया के तरक् याफ्ता मुल्कों के अंदर खड़ा होगा इन शे वक्त ज़्यादा दूर भी नहीं है ये वक्त बहुत करीब है बड़ी अच्छी बात कर दी आपने इससे ना तो सिर्फ मैं बल्कि सुनने वाले भी बड़े मोटिवेट होंगे और इन हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान बाकी की तरह जो बाकी ममालिक कामयाब तीन मुल्क हो और उसी लिस्ट में शामिल हो जाए इन मैं अभी ना सोशल मीडिया पे कुछ पिछले को तीन चार साल से देखता हूँ कुछ दुश्मन ताकतें जो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए आवाम और पाकिस्तान की आर्मी के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश कर रही हैं मैं अपने पाकिस्तानियों को दुनिया में जहाँ भी हैं मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि दुश्मन की इस साजिश को कभी कामयाब ना होने दें इस मुल्क के अंदर आज अगर हम मौजूद हैं और ये जिंदा सलामत और ये पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा है उसकी वजह पाकिस्तान आर्मी है, है। आप आप उनके चाहते तो देखें हमारी डिफेंस आर्मी बहुत स्ट्रोंग है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरी दुनिया जो इनसे आमने सामने लड़ नहीं ना सकती वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर नेगेटिव बातें करके हमारे दरमियान फासला पैदा करना चाहती हैं और वो खाना जंगी चाहती हैं जबकि मैं इस दुनिया के बच्चे बच्चे को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के मुजाहिद जागते हैं तो ये सोते हैं वरना हमें सोने ना दे ये दुनिया यकीनन सही बात हम चारों तरफ से दुश्मनों के दरम्यान में घिरे हुए हैं और आज हम पचहत्तर छिहत्तर साल अगर गुजार गए हैं तो उसकी वजह मेरे आर्मी के जवान हैं और आप देखें हमारी इतनी जरखेज और रिच सॉइल है रिच कंट्री है और हाईलाइटेड है हम हाँ उस नक्शा हमारा इस तरह का है कि हम लोग हाईलाइटेड है और इर्द गिर्द चारों तरफ हमारे कह लें कि मतलब हमारे साथ अलाइनमेंट नहीं है जो भी कंट्रीज है लेकिन अल्लाह हमें बचाए अलहमदुल्लाइट हाँ और मैं दुश्मनों को बता, बताना चाहता हूँ कि चौकस रहे कमजोर न समझे मेरे जवान बड़े मजबूत सीने लिए हुए हैं इनके आगे बम शम्ब कुछ नहीं मानी रखते और असले से जंग तो लड़ी ही नहीं जाती जंग तो जज्बे से लड़ी जाती है और मेरे जवानों के अंदर बड़ा जज्बा है बड़े मजबूत चट्टानों की तरह खड़े हुए हैं बॉर्डरों के ऊपर सो so, ये दरखास्त मेरी स्पेशली में इस प्रोग्राम के जरिए सोशल मीडिया देखने वाले हाँ लोगों को ये पहुँचा दीजिएगा कि किसी गलत फहमी में ना रहें यस yes, हम आज भी पाकिस्तान आर्मी की कमर के पीछे खड़े हुए हैं बल्कि हमें उनसे आगे खड़ा होना चाहिए हमारी लाशों से गुजर कर पाकिस्तान आर्मी की तरफ कोई देखेगा बेशक सीनी छोटी है लेकिन जज्बा हमारा ऐसा ही है इनशाला इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह क्यों नहीं रहे मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपका एक बड़ा प्यारा ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी फैमिली के साथ इस तरह किसी और सियासतदान के साथ भी कोई मेमोरी हो या कोई ताल्लुक नहीं सब के साथ हमारा ताल्लुक रहता है हम ऐसा काम करते हैं हमें प्यार करने वाले सारी पार्टियों में मौजूद हैं सारे हमारे फैन हैं हमसे प्यार करते हैं हमारी ना किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं हो सकती मेरे लिए ज़रूरी है पाकिस्तान और पाकिस्तानी होना मेरा हम जबान होना पंजाबी चाहे यहाँ रहता हो या किसी और मुल्क में रहता हो मेरी ज़ुबान पंजाबी है मैं पंजाबी हूँ मेरी सकाफत पंजाबी दोनों पंजाब मेरे पंजाब हैं सो हम किसी एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते कोई भी पार्टी हो आ, अभी जो आ, एक बड़ी बहुत बड़ी पार्टी, आ, इस पार्टी। आई इसकाम पार्टी आईपीपी आईपीपी को शायद अभी बहुत सारे लोग ना जानते हों लेकिन उस उसके मेंबर जो हैं उसके जो कारकुन हैं वो हमसे प्यार करते हैं हम भी उनसे प्यार करते हैं सो किसी पार्टी के दायरे में हमें ना फंसाया जाए हमारा काम है आपके चेहरे पर मुस्कुराट मेरी जो जुगत है या मेरी मेरी जो हरकत है वो उसको नहीं पता कौन सी पार्टी का बंदा है उसको ये पता है कि ये इंसान है थका हुआ है मेहनत करता है इसको मैंने रिलैक्स करना है इसको मैंने राजी रखना है इसको मैंने खुश करना है बिल्कुल सही सो so, हमें किसी दायरे में ना बंद किया जाए सही है मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है मुझे ये बताएं कि पंजाबी इंडियन सिनेमा में आपने बहुत माशरा नाम कमाई है और गैर मतनाज़ शहरत कमाई है और बहुत इज्ज़ और तो एहतराम के साथ आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी भी मैंने सुना है कि आपके कुछ जॉइंट वेंचर्स और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जी जी. जबकि अगर देखा जाए ना अब तक की हिस्ट्री को टिल टू डेट इतने हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने जॉइंट वेंचर किए काम भी किए लेकिन दे हैव हाँ बीन किक आउट ड्यू टू सम कॉन्ट्रोवर्सीज और कॉन्ट्रोवर्शियल ईशूज़ लेकिन यू आर द वन आपने अपना कहते हैं ना अपनी एक्जिस्टेंस वहाँ पर कैसे बिल्ड की है और कैसे ये कैसे मुमकिन हुआ ये गलत फहमी तो मैं अभी सही कर देता हूँ वो जो लोग बैकडोर पे आ गए वो बॉलीवुड के साथ थे बॉलीवुड एक अलग इंडस्ट्री है बॉलीवुड जो है पंजाब की इंडस्ट्री ये एक अलग इंडस्ट्री है ठीक है सो मैंने कभी बॉलीवुड के साथ काम करने का सोचा भी नहीं ठीक है और आइंदा भी आपका इरादा नहीं हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी स्क्रीनें हैं इसके ऊपर बॉलीवुड की फिल्म नहीं लगती बॉलीवुड की फिल्म लगती है पंजाब की पंजाब की लगती। दोनों है। पंजाब ठीक है ठीक है ये आज हम कह रहे हैं दोनों पंजाब कुछ अरसे के बाद आपको सिर्फ पंजाब कहना पड़ेगा नहीं इंशाल्लाह लहदा चढ़दा खत्म हो गया है पंजाब पंजाबी दुनिया यस पूरी दुनिया में जहाँ भी पंजाब एक कम्युनिटी एक फैमिली है पंजाबी एक कम्युनिटी हाँ एक ही फैमिली है हमारी सकाफत हमारी बोली एक है हमारी जुबान एक है हम एक माँ के बच्चे हैं और ये जो हम फिल्में करते हैं ना जी हम इसके लिए कोई पैसा कमाने के लिए या नाम बनाने के लिए नहीं करते हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम कल्चर से जुड़े रहें हम पंजाब से जुड़े रहें हमारी सकाफत जो है वो वो ख़त्म ना हो जिन कौमों ने अपनी सकाफत को छोड़ा वो जड़ों से निकल के गिर गए हम अपनी जड़ों को कायम रखना चाहते हैं हमारे वो भाई हैं हमारे दोस्त हैं उनकी बेटियां हमारी बच्चियां हैं हमारी बहनें हैं और फिर दोनों पंजाब मिलकर लोगों की खुशियों में शामिल हो रहे हैं हम इसको और आगे बढ़ाएँगे कहना तो नहीं चाहिए इन्हू लाना या ना लाना लेकिन जिस दिन रात नो दो बजे मेरी आँख खुल गई ना मैं सारियाँ तारा तुरं पट देनी वो क्यों तारे वैसे भी हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं हमारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं तारों ने इतनी तारें लगा रखी हैं तो क्या हुआ हम मिले नहीं हम रोज़ मिलते हैं फ़ोनों पे बातें करते हैं वीडियो कॉल पे बात करते हैं यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा बड़ा पड़ा है मेरे पंजाबियों से वहाँ जाके एक दूसरे के साथ मिलते हैं खाते हैं रहते हैं एक दूसरे के साथ तारों ने हमारा क्या मैं अपनी टीम कहूंगी आपको दो बजे कॉल करें <laughs> आपको तंग करें और आप आपको सोने ना दे दो बजे फिर आप उठिएगा मौका तलाश कीजिएगा और वो जो आपने बोला है हाँ, कम अज कम पचास साठ लाख रुपए की बिक जाएंगी हाँ और क्या मैं छोटे से पांच मरले का घर बनाऊंगा बिल्कुल पैसा वहां लगा रहे तारे नहीं हमारा कुछ बिगाड़ बिल्कुल ये तो है दिलों में तारे नहीं होनी चाहिए हाँ, ये तो है हाँ, हमारे दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हाँ। मुझे ये बताए कैनेडा के फैंस आपके ज्यादा हैं या इंडियन पंजाबी इंडियन सिनेमा की बात हो की तरफ से आपको ज्यादा मिलता है या इंडिया की तरफ से ज्यादा रिस्पॉन्स फैन फॉलोइंग को अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो अच्छा मुल्कों से हमारा कोई सरोकार नहीं होता ओवरऑल हमारा सरोकार होता है पंजाबियों से ठीक है एक बड़ी मजे की बात सुनाता हूँ न्यूजीलैंड में मैं फिल्म रिलीज जब हुई ना जी चल मेरा वन <coughs> तो मैं न्यूजीलैंड में था अब जिस सिनेमा की स्क्रीन के ऊपर वो फिल्म लगी हुई थी चौथा या पांचवा शो था तो मुझे बुकिंग से एक बंदे ने क्या उन्होंने कहा सर जी एक फैमिली ने ना छब्बीस टिकट लाइया ने, ने। पैसे नहीं दे रहे पैसे नहीं दे रहे मैं क्यों नहीं दे रहे कहना वो कहें सामू इफ्तार ठाकुर मिलाओ फिर तो तुम छब्बी टिकटा के पैसे पेश। मैंने कहा जी इससे अच्छी क्या बात हो सकती है तो मैंने कहा जब इंटरवल हो 10 मिनट वक, वक्फा होता है तो उसमें उनको मिल लेंगे अब मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा एक खातून जिसकी उम्र नब्बे साल तो रही होगी उनके बेटे उनकी बहुएं उनके बच्चे छब्बीस लोग मैंने कहा सत श्रीकाल जी दिस इज सर नब्बे साल की अम्मा आंखों में इतनी चमक इतनी मुहब्बत और उनके बच्चे पीछे खड़े हैं वो भी ऐसे खड़े हैं मैं क्या मान जी छब्बीस टिकटा तो ने कह पु पुत्र मेरे मेरा पाकिस्तान बने मैं पाक पुतन की रहने वाली हूँ पाकिस्तान बन गया असी उधरले पंजाब चुर गए फिर मेरी शादी होगी पुत्र मैं विह के न्यूजीलैंड आ गई ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 20 ਘਰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਖਰੀਦੇ ਨਾਈਸ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਐ ਸਭ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਪਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਅмма ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਗੀ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਮ ਆਪ ਜਲ

उधर की टीम के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे कैसा प्यार मिलता है कितना प्यार मिलता है कैसा है मेरा ख्याल है लोगों के दिलों में ये बात हो सकती है कि भी उनके साथ काम करते हैं हमें नहीं कभी लगा कि उनके साथ काम करते हैं। अच्छा हमें तो लगता है वो अपनों आपके साथ ही काम करते हैं। मतलब फील नहीं होता लगता बिल्कुल तो नहीं फील हुआ कभी तो एक सेकंड के लिए खाना इकट्ठा खाते हैं मिलते हैं वो गुल बातें लतीफे nice. डांस, पार्टी इंजॉय रिलैक्स ना कभी उनके दिल में ये ख्याल आया ना कभी हमारे दिल में ये ख्याल आया। कभी हर नहीं किस नहीं। कभी, ठीक है। माइनस भी नहीं और कोई मजेदार किस्सा सुनाए नो नेगेटिविटी no कोई मजेदार किस्सा सुनाए मुझे मैं जब पहली दफा गया ना जी नासिर चन साहब को लेके मुझे तो एहसास था लेकिन नासिर चन्योटी साहब पहली दफा जब वहां एंटर हुए एयरपोर्ट के ऊपर तो सामने आठ गाड़ियां खड़ी थी और उनके हाथों में ऐसे बुक्के थे सरदार प्रॉपर प्रोटोकॉल नासिर चिन्हटी साहब कहते लो जी सरदार की कोई बरात आई <laughs> एयरपोर्ट तो किसी ने <laughs> लैन आए ने मैं क्या सुने तेनों लैन आए हमारे प्रोडक्शन जो इंचार्ज थे जरनैल सिंह मजा आएगा आप लोगों को मैं कहता हूँ हादसा निकल गया नासिर चनुटी साहब का कि भाई दो बंदे <laughs> ਕੋਲੇ ਟਿਪੀ ਰਿਪੈਰੇਟਸਿ ਕੋ ਕੀ ਤੋ ਬਰਾਤ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇ ਲene ਕੇ ਲਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਰਨੈਲ ਹਮ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਜਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਬੁਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਠ ਬੁਕੇ ਅਬ ਆਪ ਲੋਕੇ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੀਏ ਨਾਸਿਰ ਜਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੁਕੇਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨ ਲੈ ਗਿਆ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਨਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈ मैं कहना जी इन्हें प्यारे इन्हें अच्छे लोग ने और पैशनिस्ट हम्म गप्पी के रिवाल के साथ क्यों किसान सुनाए गप्पी भाई तो फुल मज़ायी आदमी ही लव पाकिस्तान हम्म गप्पी भाई जब आए हैं सबसे पहले उन्होंने जमीन को चूमा उसके बाद फिर वो हमारे साथ घूमते-फिरते हुए अपने गांव में गए फैसलाबाद के पास उनका गांव में जा के लोगों से मिले सर पीपल वॉज क्राइंग इतनी मोहब्बत के साथ वो मिले उन बुज़ुर्गों के इतनी मोहब्बत कितने दिनों तक उनके जितने भी इंटरव्यू टेलीकास्ट होते रहे उनमें वो उन लोगों का तस्करा करते रहे हमारे मोटरवे के बारे में बताते रहे कि यार एडा सोना मोटर मैंने कहते हैं यार बढ़िया मोटरवे यार एड् मजेदार लगता है यूके फिर रहे हैं यार लाहौर पंजाब तो हमारा चले मिनी यूके है ना जैसे कंसीडर भी होता है कहा भी जाता है हाँ कहा जा सकता है हाँ। लेकिन अब, के -पी। अब आप ये देखें ना कि लाहौर में इतना टैलेंट है <coughs> लेकिन सारी की सारी जो इंडस्ट्री है कराची में बनी हुई है आ, मुझे भी ऐसा लगता है और शायद आपको भी ऐसा महसूस होता हो कि लाहौर की जो आवाम है जो टैलेंटेड ऑन स्क्रीन आने वाली आवाम है वो निगलेक्टेड है ऐसा क्यों है कराची में बनने वाली चीज़ें कराची में है कोई लाहौर से क्यों नहीं उनको बुलाता है कि लेके जाता है अवार्ड्स वगैरह भी होते हैं क्यों नहीं मेरे बारे में तो एक बहुत ही गलत परसेप्शन है उनके बारे में कि ये सिर्फ पंजाबी फिल्में करता है और ये एक गप शप का प्रोग्राम करता है उसके अलावा ये कुछ नहीं करता जी जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने मुझे कभी कॉल की नहीं एक गलत फहमी है कराची वालों कि वो मैं आज दूर करना चाहता हूँ आज आपके प्रोग्राम के जरिए <laughs> इनके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ना जिनको ये कहते हैं

और कोऑर्डिनेटर से कहा कि यार कोऑर्डिनेट कर लो इनसे तय कर लो इनसे डेटें तय कर लो अभी पिछले दिनों एक मुझे कॉल आई और उसने मुझे कहा कि पाए ना है, ये डेटे हैं हमारी रिकॉर्डिंग की तो मुझे लगता है आप एडजस्ट नहीं कर पा पहले से, से कह पहली कह दिया हाँ मतलब आप पहले नहीं चाहते कि आप आए ना और साथ ये भी कह रहा है कि भाईजन इस शेड्यूल को हम आगे पीछे नहीं कर सकते एक घंटा भी नहीं कर सकते अरे भैया इसका मतलब है आप नहीं करना चाहते हैं हाँ, आप पहली कैरियर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि बस देख आप देख वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और वो उनसे गलत बयानी करते हैं कि हम लाहौर से बाहर नहीं आ सकते हाँ। मैं तो छह दिन करता हूँ गपशप मैं तो छह दिन में बारह प्रोग्राम करता हूँ मैं भी यही देख रही हूँ मेरे पास चौबीस दिन होते हैं बिल्कुल एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन अर्थ मैं आपको बता रही जो कह देना कि लेम एक्सक्यूज सब कुछ ह्यूमनली पॉसिबल है

गपशप में आते हैं वो हमेशा में कहते हैं यार बड़ा दिल करता है काम बट हाँ। कोऑर्डिनेटर जो बीच में है ना जी दैट इज द पॉइंट जो दीटर वो जरा डंडी मार देते हैं मीडिएटर बहुत खतरनाक होता है गलत है ये तो हाँ। उसने अपना बंदा या रखा होता है कि मैं मैंने इसको फिट कराना है उसके लिए मैं क्या क्या करूं और वो जो बीच में जो जिनको वो कास्ट करा रहे होते हैं ना वो उनको फैसिलिटेट करते हैं जाहिर है उनको पैसे उनसे ले लेते हैं गलत बात है वैसे yes. लेकिन मुझे लगता है कि, कि मीडिएटर को हटा के आप डायरेक्ट बात कर लें तो रिस्पेक्ट का लेवल भी डिफरेंट होगा yes. और वन ऑन वन जब आप बात करें फोन पे या मुलाकात करें तो कोई मजाक नहीं आप अपनी जिंदगी के पांच मिनट निकाल लेंगे हाँ। बात करके तो क्या हो जाएगा और ये भी नहीं कि हमने को किया जाएंगी मैनेजर मैंने तो कम से कम कोई मैनेजर नहीं रखा हुआ मैं जिससे बात कर रहा करू मैनेजर वाली जो गेम होती है ना मुझे समझ नहीं आती दिस दिस इज 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 है नॉट डाइजस्ट इन टूडेज वर्ल्ड जो कोई कहे ना क्या आप मेरे मैनेजर से बात कर लें तो मैं आई आई फाउंड इट लाइक वेरी यू नो वेरी स्टूपिड थिंग कि मतलब यू बीग योर सेल्फ इज अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी आइदर यू आर अ ही और अ शी आप खुद इन कर सकते हैं ना आप अपने मैनेजर से पूछ के तो बाथरूम नहीं जाते हैं ना कैमरा चेंज नहीं करते ना तो जब आपने प्रोजेक्ट्स लेने हैं और आपने ऑन स्क्रीन आना है तो आपका मैनेजर तो नहीं होगा ना ये छोटी सी प्रोटोकॉल करने की क्या जरूरत है मतलब No. आप अपने घर में काम पानी पीना सब कुछ खुद करते हैं तो प्लीज़ ये मैनेजर वाला जो सीन है इसको साइड पर रखें मेडिएटर्स जो पे रखे हुए इसको साइड पर रखें लाहौर में मौजूद टैलेंट लिरिक्स हम लिखते हैं प्रोडक्शन को देख लें ऑन स्क्रीन टैलेंट देख लें एंकर्स को एंकर्स की बात रही हूँ मैं ये जो ऑन स्क्रीन सारी सेलिब्रिटीज़ है लाइफ है आर्ट्स है कल्चर है कितना वसी है डाइवर्स है <laughs>

वापस आके तीन दिन ये काम करके फिर नहीं मैं वापस जा सकता सब कुछ पॉसिबल है इफ यू वांट आपने रखी हुई है अच्छा मुझे ये बताइए कि आने वाली पंजाबी इंडियन सिनेमा की अगर मैं बात करूं तो कौन से कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं है आपके <laughs> <नहीं, नहीं>, <laughs> <नहीं, नहीं, नहीं। laughs> तो दो प्रोजेक्ट मेरे रेडी हैं हाय नहीं मेरी अम्मा अच्छा हाय नहीं मेरी अम्मा ओह नाइस थे थे। अब पंजाबी में कहेंगे तो उसे कहेंगे हाय बीबीए ओके ठीक है उकंदे बी ने बीबी अपनी मां नो किसी भी मुल्क का बंदा हो उसने पैदा होने के बाद अपनी मां को देखा भी ना हो हां अगर उसको कोई तकलीफ हो तो वो कहता है हाय नहीं मेरी अम्मा हाँ। हमने उस फिल्म में बताया है कि माँ का रिश्ता मेरे मालिक ने किस कदर खूस सच्चा right. और हंड्रेड प्योरिटी so के साथ so बनाया hmm. अल्लाह की तरफ से एक ना yes. और एक ना अटैचमेंट और क्या कह लें मतलब इट हैज नो वर्ड्स कि बच्चा जब रोता है माँ के पास भागते है बेशक माँ ने थप्पड़ मारे हो <laughs> <laughs> मैं देखती तो हूँ अपनी बहन को टका के मारेगी लेकिन वो घूमता फिरता मुझे लगता है शायद मेरे पास आएगा अब उससे थोड़ी दिन नाराज रहेगा मैं बड़ी खुशी खुशी में देखती हूँ मेरे पास आ रहा है यू टर्न लेगा वो यूटन लेगा और वापस उसकी गोद मैं हूं, Allah. Allah. मैं कहती कहती यू नाइस यू देखो मेरे बच्चे रब ने ही सारे रिश्ते बनाए हैं अल्लाह की तरफ से बिल्कुल लेकिन कहा है सत्तर से ज़्यादा प्यार करता। रब। तो सोचे, वो रब कितना प्यार करता होगा जो आप मल्टीप्लाई अगर सत्तर माओ का एक मेरा प्रोजेक्ट है हाँ, अकल इतने फनी है

एक गिपी भाई जो हैं उनका प्रोजेक्ट है जो हम इन इकट्ठे करेंगे जिन्हें लाहौर नहीं देखा तो ये लाहौर होगी शूटिंग ये टाइम बहुत जल्द आने वाला है कि वो यहाँ शूट करने आएंगे हम वहाँ शूट करने जाएंगे ये हुई ना बात आपको मैं ये मतलब वहाँ की टीम यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी एक वक्त आ जाएगा मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूँ किसी को इस बात का नहीं पता है आप अपने स्ट के जरिए, कास्ट के जरिए पूरी दुनिया को ये बता दें कि वो यहाँ आ रहे हैं हम वहां जा रहे हैं दो बजे में सारियां तारा पुट कि <laughs> <laughs> आपको फोन करने की जरूरत नहीं आप खुद ही तोड़ने वाले हैं <laughs> और वो बेचनी है

कोई शो करने वाले हमारा एक मामला चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो है अन करीब वेरी सोन दो बड़े शो आ रहे हैं hmm. और ऐसे फेवरेट लोग वहाँ से आएंगे पता नहीं मुझे अनाउंस कर देना चाहिए कि बता, बता दे बता दे मेरे समय पॉडकास्ट पे तो इजाजत है बता दे बता दे ऐसे दो फेवरेट सिंगर आ रहे हैं यहाँ पे कौन है वो मुझे भी बताएं कुर गिरेवाल साहब हैं ओ, जो अनकरीब पाकिस्तान शो रहे हैं यस yes. और इतना प्यार करते हैं वो पाकिस्तान की पब्लिक से बता दू चलाइएगा नहीं है आ, मैं सोचूंगी बाद में लेकिन बताएं बताएं सतेंद्र सरताज साहब आ रहे हैं ओए होए होए वाह सतेंद्र सरताज भाई him. मेरे आ रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़े शो लेकर डेट नहीं बताऊंगा डेट में डेट भी बता दे। वो वो मैं बताऊंगी मेरे और आपके नहीं नहीं, 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 नहीं आधी खबर मैं दूंगा <laughs> मैं सतेंद्र सरताज भाई के लिए एयरपोर्ट से लेकर जहां उनका शो होगा या जहां वो रहने के लिए आएंगे वहां तक फूलों की चादरें बिछाऊंगा ए इंशाल्लाह इतने प्यारे मेरे दोस्त हैं इतने मेरे मोहतरम दोस्त हैं वो और नीरू जी भी आ रहे हैं

और उस शो में आप खुद ही टिकट लेंगी मैं तो <laughs> मैं तो तो टिकट आपको लेना पड़ेगा ज़रूर ज़रूर मैं लेने के जो है ना बुकिंग वो एडवांस हो जाएगी और मुश्किल है टिकट का मिलना कोई बात नहीं समा पॉडकास्ट से जब आऊंगी ना तो टिकट ही टिकटे मिलेंगी मुझे हाँ ये हो सकता है हो कि हो मैं

आपके लिए बहुत दूर से बड़े जबरदस्त मेहमान आ रहे हैं तो हम आपको बताएंगे नहीं जरूर कपिल शर्मा का बताएं वो कब आ रहे हैं मेरे समा पॉडकास्ट में बुलाए उन्हें उन्हें फोन करें अभी वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान का वक्त को इतना डिफरेंस नहीं है टाइम में हाँ लेकिन अभी जब कंफर्म बात होगी तो आई विल लेट यू नो जरूर डन है लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट क्योंकि ये बात कोई कोई नहीं सुनता पिया तारा मैं फुट देनी है <laughs> पर तो कपिल कपिल ने खुद ही भागते हुए आना <laughs> सारे मेरे भाई आएंगे हम वहां जाएंगे यकीन करें यहां से सिर्फ 10 मिनट दूर है मैं साइकिल पे जा सकना मेरा बड़ा दिल करता है कि जंजोत विरासत साहब जो है ना ये जंजोत विरासत साहब मेरे पहली फिल्म के डायरेक्टर चल मेरा पुत्र बिल्कुल यहाँ कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं मेरा बड़ा दिल करता है कि वो सुबह मुझे आवाज़ दें ठाकर यार दे दे नाश्ता करना है मैं तुम पराठे पका के ले जावा अगे वो गर्म गरम चाह पका बैठे हूँ गुरशब्द मेरा एक बड़ा एक बेस्ट मेरा छोटा भ्रा है गुरशब्द जो सेकेंड हीरो था उस फिल्म में वो जब बोलता है ना ईमान से मुझे कभी नहीं लगा कि वो बॉर्डर के उस तरफ से बोल रहा

ये देखे ना आपने एक स्पेशल क्या कहते हैं एग्जाम्पल सेट की है कि, कि बहुत दूर, मैं, मैं दूर निकल गया आवा चले जब आप कपिल शर्मा से मिले तो आपने उनको ये जरूर बताना कि पाकिस्तानी आवाम उनको कितना चाहती है उनका कितना एहतराम करती है और उनको कितना प्यार करती है नहीं उनको पता है लेकिन आपने मिलके भी जरूर बताना है। है। मैं कह दूंगा, जो लेकिन... बात खुद कही जाए ना ना वो वो ज़्यादा असर रखती है। you know, one -to -one I know, वो जानते हैं। Dad. और आपने न, उनको समा में भी आने की दावत देनी है अच्छा मैंने समझा। उनको देसी खिलाएंगे लक्ष्मी चौक लेके जाएंगे मुर्ग चने ਪਤਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਨੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਾਤਾ ਹੈ ਇਮਾਨ سے ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਬਣਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਇੱਕ ਫਨਕਾ ਲਗਾਏ ਮੈਂ 18 ਫੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ कुछ करें ऐसा कि बस आप अपनी वो निकाले एके, एके नोटी, एके नोटी सेवन की कुछ स्पेशल इनको हिदायत आपने दो बजे उठना है आज रात ओके okay. ये बहुत बड़ी वो हो होगी इबादत देख ले मुझे अभी से नींद आ रही है बस इस वक्त आपने चले जाए जाता, जाता हूँ क्योंकि मुझे अर्ली उठना होता है अच्छा मुझे ये बताया आपकी माशा तीन बेटियाँ और बड़ी पढ़ी लिखी और स्मार्ट है उनसे आपका तो कैसा है मेरी जो बड़ी बेटी है ना वो जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है अच्छा माशाल्लाह आज भी सुबह जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है ना सुबह पहले उठ के मेरे पास आती है दस पंद्रह बीस मिनट मेरे साथ ऐसे चिपक के सोती है फिर वो तैयार होना शुरू होती है फिर दूसरी बेट बेटी उठती है फिर वो लड़ेगी उससे फिर वो उसकी बारी होगी फिर कभी कभी फिर एक इधर एक इधर माशाल्लाह तीसरी मेरी बच्ची मेरे सीने के ऊपर आ... मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है इस दुनिया के अंदर वो मेरी बेटियां ही बाप बेटी का ताल्लुक ऐसा होता है हमेशा कायम रहे 100% एंड आई जस्ट विश कि वो आपका भी नाम रोशन करे जैसा आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया एंड यू आर ग्रेट कॉमेडियन

क्या बनाऊ नाश्ते में आपके लिए हाँ। मैं के तीन चार ते चीज़ा नहीं होती जी पूछती रहनी और लदी बंदी जो तेरा दिल करता बना दे लेकिन इसके बावजूद हाँ। हमेशा पूछती हाँ। क्या बनाऊ आपके लिए मैं के यार अंडा डब या, है, या पराठा हैगा चाय हैगी हाँ। 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 है वो आलू की बुझो यही दो तीन चार कॉमन बेसिक पिछले तेईस साल से वो पूछ रही है माशाल्लाह पूछती रहे लगता अब मैं तैयार होना शुरू हुआ नाश्ता किया और उसके बाद जैसे ही मैं इन रेडी हो गया मेरे इजाजत है मैम मैं, मैं, मैं उन कामते चले हैं दोपहरी की बढ़ाना देखिये नाश्ता हजम नहीं होया दोपहरी की बढ़ाना खाना 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 चलो कहीं इधर उधर बातें करते करते चलो एक डिश फाइनल हो गई अब रात के लिए अब उसने मुझे ठीक बीस मिनट बाद पच्चीस मिनट के बाद कॉल करने की आप खैर से पहुंच गए जी पहुंच गए ओके okay. आप कोई दो ढाई घंटे गुजरे फिर उन्होंने कॉल की सब खैरियत है कुछ खाया पिया है कभी कभी मन लगता है मेरी डॉक्टर है देखिए वाइफ है और प्यार है और मोहब्बत है तो ये तो चलेगा ही ना बिल्कुल जब छः और सात बजे का दरमियाना टाइम आएगा ना तो उसकी कॉल आएगी रात खाने की बनाना है, देख ले, मैं, खरे, आपकी शेफ है वो। मैं खरे खाना है कि नहीं खाना लेकिन उसकी ये रूटीन रहती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आ, कि भी उसको मेरी फिक्र है आ, अगर उसको मेरी फिक्र ना हो पता नहीं मैं घर जावा नहीं नहीं, नहीं, नहीं आ, उसको ये इसको उसके इससे जरा वो मेरा मेरा खिंचाव रहता है कि मैं जाऊँ उसको पता है मैं जल्दी सोता हूँ जब से मैंने थिएटर छोड़ा है थिएटर मैंने किया 2017 तक एवरी सिंगल जी पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में तब जो थी मैं दो बजे सो जाता था अब जो है मैं तकरीबन बहुत लेट हो जाऊँ तो साढ़े दस ग्यारह बहुत लेट हो जाऊँ तो ग्यारह वरना मैं साढ़े नौ बजे तक सो जाता हूँ कोशिश करता हूँ और सुबह अर्ली उठता हूँ आप बाकी कॉमेडियन से बिल्कुल मुख्तलफ हैं वो कैसे मैं कॉमेडियन नहीं हूँ क्या है फिर आप, आप मेरा एक ड्रामा देखिएगा लव लाइफ और लाहौर ठीक है खलील रहमान कमर साहब का लिखा हुआ है और उस्मान साहब का शायद वो डायरेक्ट किया हुआ है नहीं जुल्फकार साहब का उसमें आप पूरे चालीस किस्तों में अगर ये साबित कर दें कि ये कॉमेडियन है तो मैं आपको मान जाऊँ यानी कि आप ऑलराउंडर हैं कब्जा ड्रामा आप देखिएगा काशिफ निसार साहब का वो डायरेक्टर काशिफ निसार साहब है अगर उस पूरे ड्रामे के अंदर इतने लंबे एपिसोड के अंदर कहीं भी आपको शक भी पड़ जाएगा ये कॉमेडियन आई एम नॉट कॉमेडियन पे माशा आपकी महारत है और हासिल है। ये तो मुझे भी पता है लेकिन मैं तो ये ज़्यादा जानती हूँ कि आपका ये जो कॉमेडी वाला है ना इंटरनेशनली रेकग्नाइज है लेकिन ग्रेट एक्टर तो नो वन कैन डिनाई इट आई लाइक टू बिकम विलन

<laughs> कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत जिसका जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है फिल्म को खामोश रहना चाहिए और पलके इस तरह ना बड़ी मोटी मोटी कर रही है वो जैसे गुंडो टाइप होती है अच्छा मुझे ये बताएं कॉमेडियन जो होते हैं चलें एक्टर्स या दो तीन शादियाँ उन्होंने की भी होती है या करने की वो सोचते हैं और ठानते हैं आपने सिर्फ एक शादी पे अपना रखा हुआ आपके सवाल पे मुझे कॉफी का सी, सी लेना पड़ा यानी कि मेरा सवाल थोड़ा टफ हो गया नहीं।, नहीं नहीं नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा दूसरी शादी करता है ना उसको पहले भी नहीं करनी चाहिए आ, समझ गई मैं अगर वो अपनी बीवी का हक हाँ नहीं ना अदा कर सकता तो भाई दूसरी का क्या करेगा उसको तीसरी भी करनी पड़ेगी उसको चौथी भी करनी करते और फिर वो शादियों जो गई रहेगा सर एक करे सुथरी करे हाँ, और आराम से रहिए इतनी हाँ, इतनी टेंशन क्यों लेनी माँ बाप ने अपनी जिगर का टुकड़ा उसे सौंप दिया है यू राइट right. उसको संभाल के रखे हाँ। उसका इत्राम करें उससे प्यार करें देखा दूसरी तो दो कराचे जरूर छेत्र खाने ने हां देखा बड़ी प्यारी बात कर दी आपने बल्कि इट्स एन एडवाइस फॉर ऑल यूथ बंदा पहले वाले को छेत्र काल है अर्जुन की अभी भी हो रही होगी शादी और अभी करने वाले होंगे उनके लिए भी है। एक ही करें जनाब और अगर एक में, तो it. it. में इजाजत तो जरूर है हाँ, लेकिन हुक्म नहीं है सिर्फ इजाजत है अगर आप इंसाफ कर सकें तो हम्म अगर आप इंसाफ कर अगर और वो भी तब का गया मजबूरी में अगर हाँ जी अगर ऐसा नहीं है अच्छी बात नहीं है ये अपनी कुछ मसाइल होते भी हैं कुछ मामला होते भी हैं बहुत सारे लोग इस बात का भी बहाना बना लेते हैं कि बी पहली बीवी से मेरे औलाद नहीं थी फिर मैंने दूसरी शादी की मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने दूसरी भी की तीसरी भी की और चौथी भी की अल्लाह ने औलाद नहीं दी औलाद अल्लाह उसे देने नहीं चाहता नसीब की बात है तो फिर चार घर बर्बाद करने की क्या जरूरत है तेरे नसीब ने? में नहीं है आप son, किसी को पहले मैं समझ रहा था आप भी कॉमेडियन है लेकिन आपने बहुत अच्छी वो मैं 50% आपसे ही इंस्पिरेशन ले चुकी हूँ ओह मेरे अल्लाह बस वो आप देखिएगा जल्द गपशप के सेट पे अच्छा <laughs> जी चलो खुदा करे जी माय विश एनी आई वुड लव टू सी यू ऑन दैट सेट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है थैंक यू आप कुछ भी कर सकती हैं आप फिल्म भी कर सकती हैं टीवी भी Thank आप थिएटर भी कर सकती हैं आप पॉडकास्ट तो कर ही रही हैं

A wonderful actress, a wonderful human being. Imanat Chand. Oh my love. Amanat Chand is my love. All right, our well, love and she's oh my god. अब चलते हैं Sohail Ahmed पे. Sohail Ahmed सब मेरे उत्ताद, बड़े मजबूत और Good. powerful. Good. Honest. Good. Yes. अब चलते हैं Kasser Priya पे. Kasser Priya मेरा भाई है छोटा, मेरी जान का टोटा है. वो समझे मेरा अब्दुल वली है मेरे बेटे का नाम अब्दुल वली है जितना अच्छा। प्यार मुझे मेरा बच्चा करता है इतना ही प्यार कैसर मुझसे करता है और मैं भी उससे वासे चौधरी। वासे चौधरी। ओहो आला। <laughs> दुश्मन आला दुश्मन आई लव टू वर्क विद हिम वासे भाई जो है ना उसको अल्लाह पाक ने बड़ी कमाल सिम डाली मैंने दुनिया के बड़े बड़े लोग देखे हैं जो प्रोग्राम को लेकर चलते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिन चंद लोगों को अबूर हासिल है किसी एक प्रोग्राम को एक घंटे के प्रोग्राम को लेकर चलने का उनमें वासे भाई भी एक शख्स हैं। बल्कि मैं कहूँगा वो एक शख्सियत है You're right. गिपी, गरेवाल। गिपी गरेवाल मेरा दोस्त है मेरा यस

बुशरा खान को बड़ा प्यार किया होगा thank इतना कॉन्फिडेंस दिया है तो मुझे ये पूरा यकीन है कि बुशरा खान आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होगी थैंक यू थैंक यू जैसे you. बुशरा खान लोगों को सामने बिठाकर इंटरव्यू करती है एक दिन बड़े-बड़े लोग इसको इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह थैंक यू सो मच आई फील ऑनर्ड और एक्चुअली यू हैव मेड माय डे अगेन आज बड़े मजे की नींद आएगी <laughs> इतनी आपने प्यारी तारीफ कर दी मेरी मुझे बताया हमारा समा पॉडकास्ट आपको कैसे लगा इधर आके कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको इधर मौका एवरीथिंग देखिए ये तो मौका मिला है मुझे मौका आने का मौका पे आने का मैं महीने में अगर एक मरतबा नहीं तो दो तीन मरतबा नहीं तो एक मरतबा तो जरूर आता हूँ मौका पे और अपने बच्चों के साथ आता हूँ अलहमदुल्ला ये मौका बहुत है मौके मुझे भी बहुत मिले हाँ। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है ना बड़ा ऑनेस्ट है यानी आपको सर्व करेगा आपको लगेगा कि आप अपनी नानी माँ के घर आए बिल्कुल स्टाफ बहुत फ्रेंडली फ्रेंडली है बहुत बहुत अच्छे लोग रहे हैं ये मौका ए, मुझे इसका सही मौका नहीं पता ये एरिया कौन सा है ये मेरे डी एच ए है फेज सिक्स वाला मौका और ये बड़ा अच्छा मौका अगर पोड्क, ये पोडकास्ट लोग सुन रहे हैं और मौका पे आना चाहते हैं यहाँ की कॉफी पीना चाहते हैं या यहाँ की जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका बिल्कुल बिकॉज ये एक्सक्लूसिव भी है साफ सुथरा है हाँ। और आपको देते है, और अच्छी जेनवन चीज देते हैं थे दोबारा अगर मुझे मेरी टीम को कोई प्रॉब्लम होती तो हम दोबारा आपको भी ना तकलीफ देते है अच्छा, ये, ये, ये यहीं पे होता है ये मौका वैसे मिला तो आपको है कभी कभी काफी गेस्ट रह जाते हैं उनको फिर हम देते हैं स्टूडियो में मौका लेकिन यू आर यू आर ठाकुर चले ठाकुर साहब थोड़ा सा पंजाबी में एक तरका लगा हुन गल के पंजाबी जुबान है ਉਦੋਂ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਜਟਈਏ ਹੁਣ ਐਡੀ ਜਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 700 ਟੋਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਜਟਈਏ ਤਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਆਨੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇੜਾ ਮੰਗਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੀਏ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੀਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਾਇਆ ਸੀ Thank you, thank you, thank you so much for being here, for giving your special, precious time. And I'm so happy that today I have up Finally, I got you. By the way, thank you. It's an honor for me. For Bushra Khan from Sama Podcast, ke mujhe Mr. me time the it, it had been very genuine and so wonderful. Ke now it will be a memory, inshallah, and we are again catching up. क्योंकि वो आ रहे हैं ना इन शह लाहौर सिंगर सब अपनी लिस्ट में है शर्ट में भूल गई ये तो मेरे और आपके दरम्यान था सॉरी सॉरी नहीं अभी भी नहीं सुना उन्होंने okay. हम मैं कोई और बात कर रही हूँ इस पर टी लगा दीजिए हाँ इस पर प्लीज क्योंकि हम कुछ और बात करते थे थैंक यू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस और मैं नहीं बताने वाली कि मैं क्या बात कर रही थी अभी हर चीज ही बता दूं मैं आप लोगों को ऐसे तो नहीं होगा थोड़ा तो टाइम देना नेक्स्ट एपिसोड में अभी चलते जाएं जस्ट स्टे ट्यून विद अस एंड आई विल डेफिनेटली कैचिंग अप विद यू गाइस सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर समर पॉडकास्ट एज यूजुअल एंड प्लीज लेट मी नो आप कौन सा फेवरेट सेलिब्रिटी चाहते हैं कमेंट्स में बताएं फीडबैक दें मुझे बताएं मैं वेट कर रही हूं प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अस टुडे एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस टुडे बिश्रा खान इज लीविंग नाउ बाय बाय